demanding this issue since longest. Till today, we did not receive any solution from the government. और मैं आप लोग की तरफ है 3 पॉइंट बताना चाहता हूँ जो राभा हासंग है तो एक इलीगल इमिग्रेंट का प्रभाव है तो नियरिस में बांग्लादेश है तो ये सबको पता है कि सब लोग यहाँ से ही आगे जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो आप बीच में ऐसी जगह हैं बफर एरिया में हैं जहाँ पे आके इलीगल इमिग्रेंट्स वहीं से निकलता है या वहीं आता है तो क्या डेमोग्राफिक चेंज होता है इससे? इससे होता है राभा लोगों का जो कल्चर है राभा लोगों का जो ट्रेडिशनल है आसाम एक ऐसा राज्य जो कहते हैं कि आदिवासियों की भूमि कही जाती है और वो जो इंडिजिनस लोग थे वो अपने कल्चर के लिए जाने जाते थे इतनी विविधता है कल्चर की वहाँ पर इतनी सारी ट्राइब्स हैं और संविधान जब लिखा गया जब बनाया गया तो उन सब ट्राइब्स के बारे में सोचा गया उनके हक अधिकार के बारे में सोचा गया और संविधान के अंदर ये व्यवस्था की गई खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कि ऑटोनोमस काउंसिल की या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की व्यवस्था की गई। ऑटोनोमस काउंसिल क्या होती है? ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर जो बहुत सारे अधिकार मिलते हैं आदिवासियों को कि एक जनजाति को कैसे बचाया जाए और उसकी भाषा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिलता है उसकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिलता है और उसके डेमोग्राफिक जो होती है उसको भी प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिलता है। लेकिन ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर भी बहुत सारी विविधताएँ हैं तो ऑटोनोमस काउंसिल की मैं बात करूँ तो अभी जो राभा हासंग ऑटोनोमस काउंसिल है असम के अंदर उसके अंदर ये चाह रहे हैं जो अभी मैं देख रहा हूँ जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं ये कह रहे हैं कि उसको 6th शेड्यूल में दिया जाए। 6th शेड्यूल में देने का मतलब है कि काफ़ी सारे अधिकार इनको मिल जाएंगे लेकिन अब ये 6th शेड्यूल में क्यों जाना चाहते हैं जाने का रीज़न बहुत है कि इनके आसपास जो भी हैं वहाँ 6th शेड्यूल दे दिया गया है और जो वहाँ से आबादी है जो घुसपैठिए हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो आके आसाम में रह रहे हैं या बंगाल में रह रहे हैं वो सारे लोग आकर मूव कर रहे हैं कहाँ पर राभा इनका जो एरिया है उसके अंदर मूव कर रहे हैं और इनकी जो आइडेंटिटी है इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है तो ये अपने आप को बचाना चाहता है कि ये अब सबसे ज़्यादा अनसेफ जोन में हैं बाकी सब लोग प्रोटेक्टेड हैं तो इसलिए ये लोग आए हैं और लगातार ये मांग भी हो रही थी ये बताया भी जा रहा था बीजेपी सरकार ने भी इनको भरोसा दिया था। हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं कुछ लोग प्रबुद्ध लोग हैं अलग अलग लोगों से बात करेंगे। सर राभा ऑटोनोमस काउंसिल तो है ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें बताई क्या वो ठीक हैं और क्या आप कहना चाहते हैं? जो अभी राभा हासंग ऑटोनोमस काउंसिल चल रहा है अंडर स्टेट के स्टेट एक्ट अंडर तो ये काउंसिल से वहाँ पे रहने वाला राभा के साथ साथ बहुत लोग कम्युनिटी रहते हैं सभी कम्युनिटी को एक साथ डेवलप करने के लिए और लैंड का राइट जो होता है घुसपैठियों को सेव करने के लिए ऑटोनोमस काउंसिल काफ़ी नहीं है तो इसलिए हम लोग ये काउंसिल एरिया को 6th शेड्यूल को मैंने इंक्लूड करने के लिए हम लोग वहाँ पर धरना कर रहा। क्या क्या ज़्यादा मिलेगा 6th शेड्यूल में आने के बाद? 6th शेड्यूल आने से वहाँ पे हम लोग का लैंड राइट्स मिलेगा और हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका फ्यूचर हम सेव कर सकेंगे और हमारा जो कल्चर आइडेंटिटी है हेरिडिटेज है ये सबको हम लोग प्रिजर्व करने के लिए सक्षम हो गए। अभी जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो रही है जैसे कोकराझार की मैं बात कर रहा था कोकराझार भी है पास में ही वहाँ पर तो वहाँ पर भी आपको 6th शेड्यूल आ गया है लेकिन वो क्या हो रहा है क्या आबादी जो वहाँ से थी वो माइग्रेट करके जिसे इलीगल इमिग्रेंट्स बोलते हैं क्या आपकी तरफ आ रही है? नहीं 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 तो हमारे तरफ नहीं आ रहे तो केंद्र सरकार ने बताया है कुछ महीने पहले जो राभा हासंग एरिया एक बफर जोन है घुसपैठियों के लिए तो ये बफर जोन को बंद करने के लिए जो काउंसिल एरिया है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए तो इसको हम 6th शेड्यूल बोल रहे हैं। अच्छा मतलब ये है कि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ से बफर जोन है जहाँ पे आके सब लोग टिक बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और राभा के साथ साथ वहाँ पे बोरो लोग भी है गारो लोग भी है बहुत सारे कम्युनिटी मेघालय की भी बात है मेघालय की भी बात आ जाती है सभी असम मेघालय पश्चिम बंगाल डेमोग्राफिक में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसलिए इसको सेव करने के लिए ये अंचल को हम लोग 6th शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। कितने जिले हैं अभी उसके अंदर और क्या कुछ और भी एरिया बढ़ाएंगे आप उसमें? राभा हासंग ऑटोनोमस काउंसिल में अभी तो
डिस्ट्रिक्ट है, साउथ कामरूप और ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट। तो असम में ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ साउथ पुल में भी हमारा राभा लोग रहते हैं, तो वहाँ भी कुछ कहेंगे? हाँ, बहुत लोग को पोलिटिकली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए हम राभा डेवलपमेंट काउंसिल भी मांग कर रहा है। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बहुत बात हो रही है कि मोदी जी कहते हैं कि न्यू एजुकेशन, नई शिक्षा नीति हम ला रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देंगे। अभी मैं देख रहा हूं आपके बोर्ड में एज पर दी एनईपी 2020 प्राइमरी एजुकेशन इन राभा लैंग्वेज, क्या अभी राभा लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। हम तो इसको बना तो क्या असमिया, असमिया में पढ़ाते हैं, किस चीज़ में पढ़ाते हैं? हाँ, असमिया है। तो हम ये बात बनना चाहता हूँ, आज़ादी का 77 साल हो गया, हमारे जो पीपुल है अंचल का, दिल्ली का अपने जैसा नहीं हो पाई अभी तक। इंडिया ने इंडिया इन मून, चंद्रयान चांद में पहुंच गया, और आप अभी हम लोग, हमारे जेनरेशन, हमारे शिक्षार्थियों ने अभी तक अच्छा करके ज्योमेट्री नहीं सीख पाया। 77 साल हो गया, पार्लियामेंट में कोई भी आदमी हम लोगों का जो है एक भी नहीं आ पाई, एक भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। क्यों? अभी आदित्य एक उड़ रहा है, आदित्य एल्बन, और हम लोग उड़ के ये दिल्ली पहुंच गया। क्यों के लिए? हमारे बहुत बताना है, सेल्फ डिटर्मिनेशन हम लोग नहीं मिला है अभी तक, हमारे दुख है, वेल एजुकेशन नहीं मिला है। ये हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, बिहार, किसान लोग 3-3 प्रोडक्शन कर रहा है साल में, हम भी सब सर 100% किसान लोग है, अभी भी प्रकृति पर निर्भर कर रहा हूँ, जंगल जमीन पर। क्यों? और उसको भी छीना जा रहा है। हमारे जो ये ऑटोनोमस काउंसिल है हम लोग के दिया है असम गवर्नमेंट ने, 27 साल हो गया, कोई पावर नहीं मिला। इसीलिए बताना चाहता हूँ, दिल्ली में हमारे जो राजा है दिल्ली दरबार में पास, इस राजा को हमें बताना चाहता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोने कोने देश के रहने वाले लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है, हम लोग को अभी भी नहीं मिला। क्यों? ये हम लोग का सवाल है। तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो पीपल है, देश का कौन जानता है कहाँ में रहता हूँ हम लोग, हमारे हमारे जगहों में लगभग 70-80% जंगल है, और ये जंगल में हम लोग रहता हूँ। आप लोग जानता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 पारित किया, सारा देश में इम्प्लीमेंट हुआ है, हमारे आसाम में अच्छा करके अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों? एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, जो आपकी राभा लैंग्वेज है, क्या 8वीं अनुसूची में है वो? नहीं, नहीं है, कोई अनुसूची में अभी तक नहीं जाया। अगर राज्य भाषा नहीं है तो कैसे करेंगे उसको? एनईपी ने बोला है सभी शिक्षार्थियों को प्राइमरी लेवल तक मीडियम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब उसके लिए 8वीं अनुसूची की भाषा की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, मतलब एनईपी की, एनईपी के अनुसार राभा कम्युनिटी भी ये मांग रहा है कि हमारा राभा शिक्षार्थियों भी प्राइमरी लेवल तक। अच्छा, कुछ राभा कम्युनिटी का कोई अलग से लिपि है या देवनागरी ही है? देवनागरी नहीं, हमारा असमी स्क्रिप्ट है। अच्छा, असमी स्क्रिप्ट है। एक चीज और बताइए, असमी स्क्रिप्ट है आपकी, क्या लिटरेचर भी है आपके उसके अंदर? लिटरेचर कुछ है, कुछ नाटक, कुछ गाना, कुछ है, सब कुछ है हमारा राभा लिटरेचरी में, नाटक है, ये सब कुछ है, ये गल्प वगैरह है, पोएम वगैरह, पूरा रिच है, कल्चरल, और वेरी रिच कल्चरल पूल, हम लोग का कल्चरल वेरी रिच है। आप और हमारे लोगों पर आए, हमें आपको बुलाया है, हमारे जगह पर आप लोग जाए और देखें, देखें और आके ये दिल्ली का राजा, दिल्ली का दरबार में ये जोरदार, दिल्ली का राजा क्या बहरा हो गया, सुनता नहीं है, क्या लगता है आपको? हम तो ये कहेंगे कि एनडीए गवर्नमेंट ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो कमिटमेंट किया था आने वाले दिन में वो पूरे करे, नहीं तो हम लोग आने वाला चुनाव में उन लोगों के साथ नहीं है। कितनी आबादी होगी आपको? वैसे तो स्कैटर्ड कह रहे हैं कि बहुत जगह बिखरी हुई भी है, लेकिन मेन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना आबादी होगा? साउथ कामरूप या ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट, अप्रोक्स कितना लोग होगा? अप्रोक्सीमेटली हम लोग 8 लाख एंड अबव है, 8 लाख। अच्छा, महिलाओं, ट्राइबल लोग है, महिलाओं की बहुत बात होती है, महिलाओं के हक की बात होती है, मोदी जी अभी जो ला रहे हैं, नया बिल ला रहे हैं जिसके अंदर कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल, लेकिन जब कम्युनिटी की ये हालात है तो आपकी कम्युनिटी में महिलाओं का कैसा हालात है? हमारा कम्युनिटी में महिला का हालात अच्छा नहीं है, कारण हम लोग अभी अभी शिक्षित नहीं मिला, जो जो
शिक्षितों यू कैन स्पीक इन योर ऑन लैंग्वेज, यू कैन स्पीक इन राभा लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम, यू नो माई क्वेश्चन ना, यू कैन स्पीक इन योर ऑन लैंग्वेज, अगर हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। सर हय आमार राभा महिला सकल इतेलके इमानखिनि सुविधाजनक हुआ नाय, सुविधा पोआ नाय, कारण सरकारे कोइ आसे जदिओ मोदी सरकारखने बा हेतेश्वर शर्मा सरकारखने कोइ आसे जदिओ बा ए अहोमत माने महिला सकलक उमुखुम रुखा दिसे मुखधु काटिसे, किन्तु आजि लके महिला सकल सुरक्षित हुआ नाय, कारण महिला सकल सदाय लांछित वंचित होइ आहिसे, निर्जादित होइ आहिसे, जिकोनो समस्या जदिओ हिन्दु शास्त्रर मते महिला প্রধান মানসানিধ্য মানে কি করেছে মাতৃ বা কি দিছে যদিও আজিলেক আমি সুরক্ষিত হওয়া নাই, এখানে কব বিচার কারণ সদায় সদায় মিডিয়ার জড়িয়ে আমি জানিলে পাও যে ধর্ষণ বা কোবা নারী নির্যাতন সেই বাড়ি গেছে, গতি এইবিলাকর আমি সুরক্ষিত হওয়া নাই এতালেক। বহুত বাত হতি স্যার আবি লগাতার বদরুদ্দিন আজমল কি বাত হতি, মানে আপসে পুছনা চাহা, বো কে কি পপুলেশন কো पॉपुलेशन के बारे में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपत्तिजनक होता है, उस पर आप क्या कहेंगे कि जनसंख्या बढ़ाने की बात कर देते हैं या कभी कुछ कर देते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा स्टेक है उधर। जनसंख्या जो है वो तो एक अगला मुद्दा हो गया, और हम लोग का जो मुद्दा है वो डिमांड, वी डिमांडिंग दिस इशू सिंस लॉन्ग डेज, टिल टुडे वी डिड नॉट रिसीव एनी सॉल्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और मैं आप लोग की तरह है 3 पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो राभा हासंग है तो एक इलीगल इमिग्रेंट का प्रभाव है, तो नियर इसमें बांग्लादेश है, तो ये सबको पता है कि अदर कंट्री से इलीगल इमिग्रेंट आते जाते रहे। रोहिंग्या का प्रॉब्लम है उधर? एग्जैक्टली नहीं है, बट जो इलीगल इमिग्रेंट है, आप साफ कहना नहीं चाहते? नहीं ऐसे बात नहीं है, डिप्लोमेटिकली है, रोहिंग्या है ही नहीं, लेकिन बांग्लादेशी है। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू से दिस, दैट दिस एरिया शुड कम इनटू अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस सेफगार्ड ऑफ दिस रीजन, क्योंकि बफर एरिया है। हाँ बफर एरिया है, and till today we have already told about it that we have rich tradition, we have rich culture, we have cultural heritage, it's an everything of a community, there is no confusion about it। to tab bhi sarkar se abhi tak ek solution nahi aa raha is community par, what is the reason behind of it, is there is the politics। क्या लगता है सर, क्या इसके पीछे राजनीति है, जैसा सवाल उठाया कि इस देयर इज पॉलिटिक्स, बिकॉज वादे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं और आबादी भी अच्छी खासी है, क्या 2 डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर 6 शेड्यूल में देना है कोई बड़ी बात तो है नहीं सरकार के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन इट, आपका नारा भी मैंने सुना था, इट्स आवर लीगल डिमांड, तो एक कानूनी आपकी सही भी है मांग, और मांग भी सकते हैं और वादा भी है, सब कुछ है, वोटर भी है, वादा भी है और कमिटमेंट भी है, तो किया क्यों नहीं जा रहा, क्या लग रहा है कि और गर्म करना चाहते हैं जिससे आप लोग और गर्म हो जाएं और उसके बाद फिर जब चुनाव के आसपास आए तो कुछ घोषणा मिले? ये बताना चाहता हूँ, हम लोग भारत देश की प्रकृत भारतीय नागरिक है, ये प्राक ऐतिहासिक युगों से हम लोग जुड़े हुए हैं, रामायण महाभारत जो है उनसे जुड़े हुए हैं हम लोग का कम्युनिटी। आप लोग सुनता है भगदत्त, भगदत्त जो कामरूपेश्वर था, हाँ। कामरूप का राजा था, हाँ। ये कुरुक्षेत्र में आके लड़ाई किया था। आप लोग जानता है बाण राजा सोनितपुर में, जिसका जमाई कौन होता है, अनिरुद्ध श्री कृष्ण की नटी, तो वो भी मतलब बहुत पुराना जो, कल्चरल जो, हेरिटेज हाँ, है। जिस समय ये आज़ादी का लड़ाई चल रहा था, हम इसीलिए हम लोग उस जगह जगह का आदमी आज़ादी का लड़ाई में हम लोग जुड़े हुआ था। और पहले आज़ादी का पहले जब ब्रिटिश आया था उनके समय में भी हम लोग का ये किंगडम था, हमारे अपने राज्य था। ओहम नहीं, हम लोग का राभा राज्य था। अच्छा राभा राज्य, ओहम डायनेस्टी भी है? हाँ ओहम डायनेस्टी भी था, लेकिन हम लोग का भी एक राज्य भी था, ये स्वतंत्र राज्य था। अच्छा अब लेकिन हम लोग भारतीय था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहले बताएंगे, जब ये आज़ादी हो गया, जब आज़ादी का लड़ाई हुआ था, हम जो हम लोग भारतीय है
इसलिए भारत देश की आज़ादी के लिए हम लोग लड़ाई किया था, और जब आज़ादी मिला हम लोग हिंदुस्तान में हमारे ये भारत देश में जुड़े हो गया। लेकिन वो भी पहले का जो हम लोग का राज्य है वो तो छोड़ दिया हम लोग ने पहले, लेकिन अभी मांग रहा हूँ सेल्फ डिटर्मिनेशन हमको चाहिए। मतलब हम लोग विश्वास था कि स्वाधीनता के बाद, आज़ादी के बाद हम लोग का ये अंचल का आदमी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। कहने का मतलब है एक समय आप राजा थे, एक समय पूरा रूल करते थे, और आज आप आइडेंटिटी बचाने के लिए तरस रहे हैं। हम लोग आदिवासी है, हम लोग मंगलयान रेस है, उन जगहों का हम लोग प्रकृत सोयल ऑफ द सन है, भूमि पुत्र है। इसलिए अभी भी हमको सेल्फ डिटरमिनेशन चाहिए। जो ये लिखा है सिक्स शेड्यूल का ऑटोनोमस काउंसिल, ये भारत की संविधान के अंदर हम लोग रहना चाहते हैं। डायरेक्ट दिल्ली से रूल होना चाहिए हम लोग का जगह, और उसी तरह ये व्यवस्था करना चाहिए, और कोई बात नहीं। सीधा सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे मोदी जी को, अगर कुछ बोलना चाहें तो? मोदी जी पर हम लोग का विश्वास है, विश्वास है मोदी जी पर, हम लोग का भरोसा है, ये जरूर हम लोगों को सिक्स शेड्यूल ये देगा, ये हम लोग का विश्वास है। हेमंत विश्व शर्मा को कुछ कहना चाहेंगे? हेमंत विश्व शर्मा तो हम लोग का असम का मुख्यमंत्री है, उनको भी ये डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए इसको बोलना चाहता हूँ, जो हम लोगों का जो योग्य है इसको शिक्षा देने के लिए, जो प्रदेश की दायित्व है, इन दायित्व को ये पालन करें। देखिए सीधा सीधा साफ साफ कह दिया गया कि सिक्स शेड्यूल चाहिए, क्योंकि ऑटोनोमस जो काउंसिल है उससे काम चल नहीं रहा है, ज़्यादा अधिकार चाहिए, वफर एरिया है, वफर जोन है, बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट की समस्या है, और डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ भाषा को भी बचाना है। सैकड़ों की संख्या में जंतर मंतर पर लोग खड़े हुए हैं, वादा याद दिला रहे हैं बीजेपी सरकार को जो वादा किया था। आपको क्या लगता है, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।